hopefully all are fine and safe at home and doing regular studies on regular basis. This is chapter 14, statistics of your class 9. So students, before we start this chapter, you must be aware what do you know about this chapter before. पहले आप इस chapter के बारे में क्या जानते हैं? वही word, PK word होता है, prerequisite knowledge या previous knowledge. So इस chapter का जो previous knowledge आपकी, वो class 8 में आपने पढ़ा था. ग्राफ के बारे में एक इंट्रोडक्शन टू ग्राफ था. एक तो क्लास 8 का जो चैप्टर था डाटा हैंडलिंग, दैट इज प्रीवियस नॉलेज फॉर दिस चैप्टर, वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे. कुछ अपग्रेडेशन पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में हम, जैसे कि आपने वहां पर बार ग्राफ पढ़ा था, यहां पर भी बार ग्राफ पढ़ेंगे बट विद सम अपग्रेडेशन. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? सबसे पहले तो बिफोर यू स्टार्ट एनी चैप्टर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द नेम एंड द मीनिंग ऑफ द चैप्टर. सो द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज, इसका वर्ड, एक वर्ड का यूज होगा इसमें डाटा, तो सारा ही काम डाटा का होने वाला है. कि डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है, कि जैसे कि डाटा है किसी फैक्ट्स की बात, तो फैक्ट्स कैन बी एनीथिंग. लाइक नाउडेज कोरोना पेशेंट आर इंक्रीजिंग, भाई अप्रैल में 25 अप्रैल को नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट वर 29, फॉर नेक्स्ट डे में वो 30 हो गए, 40 हो गए, सो ऑन इंक्रीज होते जा रहे हैं. सो दीज आर द फैक्ट्स बेस्ड ऑन डेली लाइफ. उसके बाद है न्यूमेरिकल फिगर. न्यूमेरिकल फिगर कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ योर क्लास स्टूडेंट्स. साथ ही साथ लिख लेते हैं हम न्यूमेरिकल फिगर के अंदर हाइट ऑफ स्टूडेंट्स. भाई सबकी तो सेम हो नहीं सकती, कुछ की सेम हो सकती है. क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट है कुछ एक जैसे हाइट में, कुछ की हाइट ज़्यादा कुछ की कम है. ठीक है, कैसे भी हो सकती है. टेबल्स की बात करते हैं, टेबल हम ड्रॉ करेंगे इसमें विद इंफॉर्मेशन. भाई जो भी डाटा हम गिवन है उसको कलेक्ट करके एक सिंगल टेबल टेबल बना रहे होंगे. ऐसे ग्राफ पे ग्राफ पर आ जाओ, इसकी पीके तो आपको प्रीवियस नॉलेज क्या थी, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ. ठीक है, तो ये सारा क्या काम हो रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं, दीज आर कलेक्शन ऑफ डाटा. ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा. और स्टैटिस्टिक्स, ये स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन. Meaningful information. इसको हम statistics बोलते हैं भाई. जो भी information हमें data दे रहा है, जब collection हो गया data का, तो क्या meaningful information हम उससे निकाल पा रहे हैं? This is extraction, मतलब कुछ निकालना. तो meaningful extraction of meaning in information. ठीक है? तो इनसे हम क्या-क्या information निकाल सकते हैं? अब ये information जो निकालने का तरीका है, ये कई types होने वाला है. तो see, और किस में होगा? Data की form में होगा. फर्स्ट बनेगा इसमें रॉ डाटा. रॉ डाटा होता है मतलब कुछ भी डाटा गिवन है आपको, कि जैसे कि एग्जांपल के लिए 7 थे कोरोना पेशेंट, 14 हो गए, 15 हो गए, 19, 20, सो ऑन. ठीक है, इस टाइप से ये जो डाटा गिवन है इसको हम रॉ डाटा बोलते हैं. फिर इसके बाद आता है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी. अनग्रुप टेबल भी बोल दो या फ्रीक्वेंसी टेबल बोल देते हैं हम उसको, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल. और फिर आते हैं इसमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल. ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल और हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, वो भी लिख देते हैं. बार ग्राफ पढ़ेंगे हम इसमें, बार ग्राफ. और हम इसमें पढ़ेंगे हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम. फिर हम इसमें पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है. और क्या आ जाता है इस चैप्टर के अंदर, मीन मोड मीडियन आ जाएंगे भाई. लास्ट एक्सरसाइज में मीन आएगा, वहां पर मोड आएगा और मीडियन आएगा. ठीक है, तो ये जो है कंटेंट्स है ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं. जो क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट बेस्ड होते हैं वो यहाँ से बनते हैं भाई, मोस्ट प्रोबेबली. ये जो तीन टॉपिक है ना, 5, 6, 7, ये तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं. यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है. तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ. पहले रॉ डाटा की बात करेंगे कि किस टाइप से होता है, फिर अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल एंड सो. ठीक है, टिल देन पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से. एनसीईआरटी का आपका फर्स्ट एग्जांपल ये बुक के अंदर, कि कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स. आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स के जो मैथ्स में नंबर आए हैं वो लिखे हुए हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि इस क्वेश्चन से हम कितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, क्या क्या ये हमें बता सकता है. तो पहली बात तो इस टाइप का जो डाटा होता है उसको हम रॉ डाटा बोलते हैं. जो अभी मैंने टाइप बताया डाटा की, तो उसके अंदर रॉ डाटा होता है. दिस इज रॉ डाटा.
अंदर आप क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, क्लास की एवरेज निकाल सकते हो, ये क्लास इतने एवरेज मार्क्स लेके आ रही है, और हाईएस्ट मार्क्स बता सकते हो, लोएस्ट मार्क्स बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, हाईएस्ट मार्क्स 95 दिखाई दे रहा है, ठीक है, और लोएस्ट मार्क्स कितने हैं, लोएस्ट मार्क्स 28, ठीक है, तो ये 28 है, और इनके डिफरेंस सॉरी ये 25 लोएस्ट मार्क्स, ठीक है, तो जो इनका डिफरेंस होता है उसका एक नाम होता है, वर्ड होता है, जो आपने क्लास 8 में पढ़ा रेंज, 7th या 8th में कहीं पर भी आया होगा, रेंज क्या होती है, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, दिस इज फॉर्मूला टू फाइंड आउट रेंज, तो 95 माइनस 25 दिस इज रेंज ऑफ इस डाटा। तो इस डाटा से हमें क्या क्या पता लगा, एवरेज भी निकाल सकते हैं कि भाई इतने नंबर लेके आ रहा है एक बच्चा, इसमें मैक्सिमम मार्क्स बता सकते हैं, हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, और मिनिमम मार्क्स भी हम इसमें बता सकते हैं। तो बस रॉ डाटा का इतना ही यूज होता है, इस टाइप से करना होता है। फिर हम मूव करते हैं, अब देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल। क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं मान लिया क्लास के अंदर, उनके द्वारा ऑब्टेन की गई ये मार्क्स, ठीक है। तो ये रॉ डाटा है, रॉ डाटा जो अभी इससे पहले वाले में था, तो इसमें हम क्या करेंगे, रॉ डाटा को अनग्रुप फ्रीक्वेंसी या अनग्रुप टेबल में कन्वर्ट करेंगे, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसके अंदर इसको कन्वर्ट करके दिखाएंगे कि अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे लिखी जाती है, दिस इज अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो देखिए भाई रॉ डाटा को कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि एक कोई भी मार्क्स उठा लिया हमने, 70 है, 70 की फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार आ रहा है, जैसे कि 70 चेक करो, यहाँ पर यहाँ से शुरू हो रहा है 1, 2, 3 और 4, मतलब 70 जो मार्क्स है वो चार बच्चों के, इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 क्या है, वो 4 है, ठीक है। तो इसकी हम टेबल ड्रॉ करेंगे, तो कितने बच्चों के 10 मार्क्स है, एक की है, 20 पर आ जाओ, 20 भी एक ही है, तो ये 20 लिख दिया मैंने यहाँ पर, 21 की 36 चेक करो, 1 यहाँ से गिरा, 2, 3 और नहीं आ रहा, मतलब 3 बच्चों के 36 मार्क्स, सो ऑन इस टाइप से लिख के जाना, 40 चेक करो, 40 यहाँ से 1 यहाँ पर है, 2, 3 और 4, चार बच्चों के 40 मार्क्स, ठीक है। 50 पर आ जाओ, 50 का एक है, 2 और 3 है, 3 बच्चों के 50 मार्क्स है। 56 पर आ जाओ, 56 ऊपर से एक है, यहाँ पर एक भी नहीं है, और यहाँ पर 60 ऊपर एक बन रहा है, यहाँ से इधर कोई भी नहीं है, इधर है 2, 3, 4, इस टाइप से लिखना, समझ गए हो ना, लिख सकते हो इस टाइप से, मतलब हर नंबर कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, दैट इज कॉल्ड अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, कोई भी ग्रुप नहीं बन रहा है इसके अंदर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो दिस इज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड दीज आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसकी नोटेट करते हैं हम, इससे F5 भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को लिखने का तरीका होता है F5, F मतलब फ्रीक्वेंसी, I मतलब जैसे यहाँ पर कितने हैं, 30 है ना, तो F30 लिख सकते हैं, 30 बच्चों की फ्रीक्वेंसी है, तो दिस इज कौन सी टाइप थी, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टाइप, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं हम, रॉ डाटा हमने पढ़ ली है, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल पढ़ ली है, अब हम करेंगे ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल की वो कैसे बनती है। तो ये एग्जांपल है सामने, नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट इन मंथ ऑफ मई, हिसार का डाटा है, हिसार के अंदर मई के अंदर कितने कोरोना पेशेंट पाए गए, ठीक है, कितने दिन का डाटा है, कितने 20 डेज का डाटा है, ठीक है। तो जैसे भाई जीरो थे पहले मई में, फिर ऐसे बढ़ते गए 149 तक पहुंच गए, अभी पहुंचे नहीं है, एक दिन तो पेंडिंग है ना, आज 30 तारीख हुई है, और क्या पता कल वो कितने पेशेंट मिलते। तो ये डाटा है, इसका ये रॉ डाटा है, देख पा रहे हो, दिस इज रॉ डाटा, इससे हमें क्या बनाना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। अभी हमने रॉ डाटा से अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया था, अब हम रॉ डाटा से ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाए, ठीक है। तो उसको हम क्लास मार्क्स बोलते हैं, जो हम ग्रुप बनाते हैं ना उसको हम क्लास मार्क्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर ग्रुप बना रहा हूँ, और ग्रुप जो होता है वो बीच का इंटरवल सेम होता है, 0 से 5 का ग्रुप बना लिया, ऐसे ही 5 से 10 का ग्रुप बना लिया, 10 से 15 बना लिया, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 टू 35,
35 टू 40 कहाँ तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है ना, तो 40 से 45 और 45 से 50, दिस इज कॉल्ड ग्रुप। ये ग्रुप बन गए। भाई 0 से 5 के बीच में कितने आएंगे, 5 से 10 के बीच में कितने आएंगे, 10 से 15 के बीच में कितने आएंगे, ठीक है। उसको हम लिखने का तरीका यहाँ पर टैली मार्क्स से लिखेंगे, टैली मार्क्स बोलते हैं हम इसको। और लास्ट टेबल में वही आ जाएगा जो अभी आया था, नंबर ऑफ पेशेंट, नंबर ऑफ पेशेंट यानी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में नंबर ऑफ मार्क्स को फ्रीक्वेंसी डिनोट कर रहे थे, यहाँ पर नंबर ऑफ पेशेंट है तो उसको फ्रीक्वेंसी से डिनोट करेंगे। अब ये टैली मार्क्स देखो क्या होता है, चार तक तो आप ऐसे लिखते हो, 1, 2, 3, 4, ये चार तक लिखने का तरीका टैली मार्क का। अगर 5 बनेगा तो 5 को कैसे लिख देंगे, इस टाइप से लिख देंगे, ठीक। तो इनमें से देखो आप 0 से 5 के बीच में कितने हैं, 1, 2, 5 काउंट नहीं होगा, 5 0 से 5 के बीच में 5 यहां पर आएगा, 5 से 10, तो 1, 2, 3 तीन बन गए ना, तो टैली मार्क बना के यहां पर 1, 2, 3 और यहां पर क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ पेशेंट, ठीक है। 5 से 10 के बीच में आ रहा 1, 2 दो ही है, यस दो ही है, तो 1, 2 और ये क्या आ गया यहाँ पर 2 बन गया। आ गया जो 10 से 15, 10 से स्टार्ट हो, 1, 2, 15 काउंट नहीं हुए, तो 15 जो है इसमें आएगा, 15 से 20 वाले, ठीक है। तो 10 टू 15 एक हो गया, 2 हो गया, 3 यहाँ पर 3 बन रहे हैं, तो 1, 2, 3 ये 3 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। 15 से 20 पर आ जाओ, यहाँ पर 15 से स्टार्ट हो गया, 1, 2, 3, 4, 4 चार बन गए, तो 1, 2, 3, 4 और ये 4 लिख दिया यहाँ। 20 से 25 के बीच में आ जाओ, जो 20 से शुरू हो रहे हैं, 1 ये नहीं आएगा उसके बीच में, 1 ही है, 1 है तो ये 1 आ गया, ठीक है। 25 से 30 पर आ जाओगे, 25 से शुरू हो रहा है, 1 और 1, 2 तो ही बन रहे, तो ये 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिया मैंने। 30 से 35, 30 से स्टार्ट हो मतलब ये आएगा केस और 1 ही है, तो 1 केस मिला तो ये 1, ठीक है। 35 से 40 के बीच में 1 ही है तो ये भी 1, आगे 40 से 45 एक ही है 40 को तो ये भी 1 हो गया। फिर 45 से 50 2 आ रहे हैं, 47 और 49 तो ये 2 और ये 2, और टोटल पेशेंट कितने थे 20, ये काउंट करो वही 20 बन रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। क्या करना है, क्लास मार्क्स लिखना है, ग्रुप मतलब ग्रुप बनाने, 0 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ग्रुप बनाओ तो ये चीजें सेम रहेगी, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो पहले वाले की अपर लिमिट और दूसरे वाले की लोअर लिमिट हमेशा सेम होती है। चेक कर लो, ये देखो ये 15-15 है, 20-20 है, 25-25, ठीक है। जहां पर क्वेश्चन के अंदर ये सेम नहीं हुएगी वहां पर आप सेम बनाओगे उसको, वो बनाने का तरीका क्या वो हम बताएंगे। तो पहले काम यही है कि आपको बनाना कैसे, ठीक है। होपफुली समझ में आया कोई डाउट है, तो दिस इज हाउ यू ड्रॉ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। ये टैली मार्क्स है, ये चार तक ही रहा आपके पास, अगर 5 होते तो ऐसे लिखते, 6 होते एक और अदर, 7 होते तो ऐसे, 8 ऐसे, 9 ऐसे और 10 पे ऐसे। तो दिस इज ऑल्सो यू ड्रॉ। तो ये लास्ट टाइप का कि फोर्थ एग्जांपल एनसीईआरटी का, ये आपकी बुक का। अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया था कि जब ये सेम ना हो, देखो अभी तक क्या हो रहा था, ये सेम बन रही थी, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम आ रही थी, यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेम नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा 14.2 एक्सरसाइज के अंदर भी। 14.1 आपको फेयर नोटबुक में नहीं करनी है, उसके एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, यू हैव टू स्टार्ट विद 14.2 ओनली, ठीक है। तो इसका मेन टारगेट इस क्वेश्चन में आपका क्या है कि ये लिमिट सेम बनानी है, ये दोनों सेम होनी चाहिए, ये दोनों सेम होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल की बात कर लेते हैं हम, ये तो वेट है स्टूडेंट्स का किलोग्राम में और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। मतलब 31 से 35 के बीच में जितने बच्चों का वेट है वो 9 स्टूडेंट्स है, इस टाइप से स्लो हो। तो एक बात बताओ, अगर किसी बच्चे का वेट 35.5 तो वो किधर आएगा, कौन सी कैटेगरी में आएगा, इधर आएगा या इधर आएगा, ना तो वो इधर आ रहा है और ना ही इधर आ रहा है, तो ये कैटेगरी गई का। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको सेम बनाना, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो दो इंटरवल उठा रहा हूँ मैं यहाँ से, एक तो ये सेकंड वाला उठा लिया 36 से 40 और एक ऊपर वाला 31 से 35। तो आपको क्या चेक करना है, इन दोनों का डिफरेंस चेक करना है, जो इनका डिफरेंस रहेगा ना उसका हाफ कर देना,
लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है इसकी 36, कोई भी दो इंटरवल उठा लेने और वो इकट्ठे कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, ये नहीं कि एक ये ले लिया और एक ये, नहीं ऐसे नहीं, कोई भी दो इस टाइप से हमने पहले दो उठाए और लोअर लिमिट ये होगी और इसकी अपर लिमिट लेनी है, अपर लिमिट कितनी है इसकी 30, ठीक है ना, ये तो लोअर लिमिट है इधर से और इधर अपर लिमिट, तो इसकी लोअर लिमिट 36 है और सेकंड वाले की अपर लिमिट क्या है 35, तो डिफरेंस सेट करूंगा क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों का 1, तो उसका क्या कर देना आपको हाफ कर देना, 1 का हाफ मतलब 0.5, क्या करना है हाफ इसका, इसमें से तो सब्ट्रैक्ट कर देना है, सॉरी इसमें तो ऐड कर देना और इसमें तो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, इस तरह से करेंगे, इसमें ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा 35.5 और इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी क्या बन जाएगा 35.5, तो नई टेबल देखो क्या बन जाएगी, ये वाली इधर से बना लो मैम, जो वेट है देखो 0.5 इधर तो सब्ट्रैक्ट करना और इधर ऐड करना है, उल्टा बोल रहा हूँ, इसमें ऐड और इसमें सब्ट्रैक्ट, ठीक है, चेक करो, मतलब लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट अगर करोगे तो 30.5 बन जाएगा, 31 में से हाफ गया, क्या बचा ये तो बचा, और इसमें ऐड कर दो तो क्या बनाएगा 35.5, लोअर में सब्ट्रैक्ट अपर में ऐड, लोअर में सब्ट्रैक्ट करना है अपर लिमिट में ऐड करना है, तो लोअर में सब्ट्रैक्ट किया हाफ क्या बना 35.5 और इसमें ऐड करना तो ये क्या बनेगा 40.5, इसमें सब्ट्रैक्ट 40.5, इसमें ऐड 45.5, इसमें सब्ट्रैक्ट 45.5, इसमें ऐड 50.5, सब्ट्रैक्ट यहाँ पर 50.5, आगे ऐड 55.5, सब्ट्रैक्ट क्या हो गया 55.5 और उधर 60.5, 60.5 और 65.5, यहाँ से 65.5 और 70.5, इधर से 70.5 से 75.5, तो ये नई टेबल बन जाएगी आप, अब चेक करो क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ये देखो इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, इसकी अपर लोअर ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो हमारा टारगेट यही था कि ये जो इसकी अपर लिमिट फर्स्ट की और सेकंड की लोअर लिमिट सेम होनी चाहिए, तो हमने सेम करके दिखा दी, तो ये प्रोसीजर है, इस टाइप से आपको करना है, इंपॉर्टेंट टाइप है, ऐसा टाइप आपको एक्सरसाइज मिलेगा ही मिलेगा, सो